साथियों नमस्कार। साथियों आज है दिनांक 4 दिसंबर 2023 और ये जो हमारे गेहूँ आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं ये हमने बुआई की थी 5 नवंबर 2023 को। आप पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। और साथियों इसमें हमने 2 पानी पहले दिया था, यानी कि 5 नवंबर को सूखे में बुआई करके हमने इसमें डायरेक्ट पानी लगा दिया था और उसके लगभग 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन के अंतराल में हमने दूसरा पानी इसमें लगा दिया था, जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको गारवण बोला जाता है। और मैंने पोस्ट इस पर भी डाली थी फेसबुक पर गेहूँ की, जो कि काफ़ी सारे किसान भाई हमारे मित्र बोल रहे हैं कि ये कोई पागल वाला बनाने वाली बात कर रहा है, यानी कि गेहूँ में 2 पानी लगा दिए आपने, 10 दिन के अंतराल में आपने 2 पानी लगा दिए। तो साथियों मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में 21 दिन में जो पहला पानी या फिर दूसरा पानी लगाने की मेथड है वो नहीं अपनाई जाती है। उसका कारण है साथियों कि हमारे क्षेत्र में धान की खेती नहीं होती है और गेहूं की अधिकतर बुआई, यानी कि जो अधिकतर हमारे क्षेत्र में गेहूं की बुआई होती है या फिर मटर या फिर किसी भी अन्य चीज़ की जो बुआई होती है, जो कि चने बिना पानी के चने और सरसों को छोड़ के किसी भी चीज़ की अगर जो बुआई होती है तो हमारे क्षेत्र में सूखे में बुआई होती है। और सूखे में अगर आप बुआई करते हैं तो आपको साथ में पानी लगाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये पहला और दूसरा पानी लगता है तब टेम्परेचर अधिक रहता है, यानी कि हमने इसकी 5 नवंबर को बुआई की थी और 5 नवंबर को टेम्परेचर अधिक था, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इस वजह से हमने दूसरा पानी इसमें हाथों हाथ लगा दिया था, यानी 10 दिन के अंतराल में लगा दिया था। और हमारे इधर जो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के किसान नीमच मंसूर रतलाम इंदौर उज्जैन ये जो किसान हैं ये यही मेथड अपनाते हैं गेहूँ में और दूसरा पानी हाथों हाथ लगा देते हैं। तो साथियों हमारा दूसरा पानी 10 दिन के अंतराल में लग गया था और उसकी भी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और तीसरे पानी की अगर बात करें तो साथियों और दूसरा पानी दे के गेहूँ को छोड़ दिया जाता है, 25 दिन महीने भर के लिए छोड़ दिया जाता है। और तीसरा पानी जो हमारा लगता है वो लगभग 1 महीने के अंतराल में, मतलब दूसरा पानी देने के 1 महीने के बाद तीसरा पानी दिया जाता है। तो साथियों इस साल क्या हुआ कि इस साल बारिश हो गई और दूसरा पानी लगाने के लगभग 10-12 दिन बाद इसमें बारिश हो गई थी और अभी हम यूरिया इसमें डाल नहीं पाए थे, यानी कि इसमें यूरिया खाद या फिर कोई सा भी खाद इसमें हम दे नहीं पाए थे। तो इस वजह से अभी यूरिया का इसमें छिड़काव चल रहा है और गेहूँ लगभग हल्के हल्के पीलेपन पे दिख रहे हैं आपको वीडियो में। ये 1 महीने के गेहूँ हैं और हमने इसमें कोई भी खाद नहीं दिया है, तो अब इसमें यूरिया आज डाला जा रहा है 4 नवंबर 2023 को, यानी कि लगभग 1 महीना हो चुका है। 5 नवंबर की बुआई है और 4 दिसंबर आज डेट है, तो 1 महीने में हम इसमें यूरिया डाल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको यूरिया 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए, तो साथियों आपको 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया, मैक्सिमम 50 किलो यूरिया। अगर आप कोई दूसरा खाद आपने पहले डाल रखा हो बुआई के समय DAP वगैरह डाल रखा हो तो आप 50 किलो तक ही डालें, और अगर बाद में अगर जब आपके गेहूँ 1.5 महीने 2 महीने के होएं तब आप कोई खाद देना चाहते हो तो भी आप यूरिया 50 किलो ही डालें, यानी कि 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें यूरिया डालें गेहूँ में। इसका फुटाव भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और दूसरी बात यह है कि आपका गेहूँ का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी जो कि काफ़ी सारे किसानों को भ्रम दूर करने के लिए थी कि
आप 21 दिन में पानी देते हैं, तो साथियों 21 दिन में पानी उस जगह उस क्षेत्र में दिया जाता है जहाँ पे धान की बुआई होती है, और धान की डायरेक्ट कटाई ना करके डायरेक्ट सुपर सीडर से बुआई कर देते किले में, तो वो 21 दिन में पानी देते हैं। बाकी हमारे मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन क्षेत्रों में पानी साथ ही साथ लगाया जाता है गेहूँ के, और दूसरा पानी 10 दिन के अंतराल में लगा दिया जाता है, और तीसरा पानी फिर दूसरे पानी लगाने के बाद एक महीने बाद उसकी तीसरी सिंचाई की जाती है। तो साथियों ये थी छोटी सी वीडियो के लिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो समय पर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।